हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ जेएस गिल और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि आप टॉप रैंक ला सकें ईएससी गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और इनडायरेक्टली आप कहें कि जो टॉपर्स होते हैं उनका डेली रूटीन कैसा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें टॉप रैंक लाना है, हम क्या करें। तो पिछले 8 साल से मैंने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है ईएससी एंड गेट के लिए, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन लोगों ने टॉप किया है उन लोगों के अंदर कुछ क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या उन लोगों ने जब प्रिपरेशन किया तो उन लोगों का शेड्यूल क्या था। तो ये जो भी हम आगे बातें करेंगे दे आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज वेल एज इंटरेक्शन विद दी सो मेनी टॉपर्स इन लास्ट 8 to 9 years। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन चीज़ आपको समझने वाला है, किसी भी बंदे का कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। मतलब ऐसा सच नहीं है कि कोई रैंक 1 ले आया या रैंक 5 ले आया या सीएससी में टॉप कर गया या ईएससी में टॉप कर गया तो आप वही चीज़ फॉलो करके आप टॉप कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो समझना है, देर इज़ नो यूनिवर्सल रूटीन, ठीक है। सब हर आदमी का जो अपना रूटीन है वो अलग अलग होता है, किसी का भी दो लोगों का रूटीन सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको खुद का शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो मैं आपको उसके लिए कुछ एडवाइस भी करूंगा आगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो एक परफेक्ट जो आपका शेड्यूल होना चाहिए, जो परफेक्ट रूटीन होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ एडवाइसेस दूंगा। दूसरी चीज़ है, एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन है कि रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, आप कभी भी पढ़ें, ठीक है। इससे फ़र्क बहुत नहीं पड़ता कि आप किस समय पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं या आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे पढ़ते समय आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मीन्स लाइक कि आप पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे मॉर्निंग में लोग सोते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है, और अगर उस समय आप पढ़ते हो तो उसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आपके सो रहे होंगे, आप कंसंट्रेट करके 4-5 घंटे मॉर्निंग में इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाम को या रात में पढ़ने वाला जो बंदा है वो टॉप नहीं कर सकता या वो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। आप दिन में के किसी भी टाइम में पढ़ो, अगर आप कॉन्सनट्रेशन से पढ़ रहे हो तो उस सब अच्छा है, बट ये है कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो मॉर्निंग में कम लोग जगते हैं, इसलिए आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान है, तो दो पॉइंट क्लियर है, किसी का भी कोई फिक्स रूटीन नहीं है, और दूसरा चीज़ है कि आप कब पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, बट मेरा ये सजेशन है कि आप मॉर्निंग को बेहतरीन यूटिलाइज करो तो वो सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा, बहुत बार लोग बोलते हैं कि बहुत सारा आपने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा जिस इंटरव्यू में वो लोग बोलते हैं कि वो लोग पढ़ने के वो जब तैयारी करते थे तो 18 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, और बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट होके मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम तो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ ही नहीं सकते तो क्या हम टॉप कर सकते हैं। देखो, मैं रिसर्च में रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च फील्ड के लोग हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनसे बात किया है, जो ईयर्स लगातार काम किए हैं, 16 आवर्स पढ़ पाना लगातार पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है। और मेरी समस्या, अगर आपको डेली पढ़ना तो आप 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे, 10 घंटे डेली पढ़ना इज़ एन अगेन वेरी बिग टास्क, जो कि मेरी समझ से पॉसिबल नहीं है। आप 2-4 दिन या 10 दिन 10 घंटे डेली दे सकते हो, लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना डेली 10 घंटे दोगे तो आपका ऐसा सिचुएशन आएगा एक समय कि आप बीमार पड़ जाओगे और फिर आप एवरेज निकालोगे तो वो 10 घंटे का नहीं बनेगा। तो मेरी समझ से अगर 8 घंटे या 9 घंटे का एवरेज निकल रहा है और आप लगातार 8 घंटे 9 घंटे का एवरेज निकाल लो, मतलब किसी दिन आप 10 भी पढ़ लेते हो, किसी दिन 6 घंटे भी पढ़ते हो, तो वो जो एवरेज है आपका, अगर मंथली आप 240 आवर्स निकाल रहे हो, 30 × 8 240 आवर्स निकाल लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो ऐसा कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि 16 घंटे पढ़ने वाला ही टॉप करता है और 8 घंटे 7 घंटे पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो टॉप नहीं करता। और ध्यान रहे, हमेशा जो है वो क्वालिटी मैटर करता है क्वांटिटी के ऊपर। आप 18 घंटे पढ़ो इधर उधर कुछ भी करके और आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ो तो 8 आवर्स आर बेटर देन 18 आवर्स ऑफ फर्जी स्टडी, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई टॉप, ये आवर्स ऑफ स्टडी कभी मैटर नहीं करते, ठीक है ना। ये आप पे है, आप 8 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़,
बहुत लोग कहते हैं कि जैसे अभी इफेक्टिवली पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर हम तो सोना भी बंद कर दिए, हम तो 4 घंटे सोते हैं, मोदी जी तो 2 ही घंटे सोते हैं। अब इन लोगों की बात अलग है कि ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और धरती पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपको अपने रूटीन में स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपका जितना भी नॉर्मल स्लीप है 6 hours, 7 hours, 8 hours वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप इफेक्टिवली काम तभी कर सकते हो जब आप इफेक्टिवली आपका नींद पूरा हुआ हो। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जिसको आपको पूरा करना है और इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको एफिशिएंट होना है तो लाइक 24 hours आपके पास है, आप 8 घंटे सो, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा, जो इनएफिशिएंट टाइम है, इनएफिशिएंट टाइम लाइक आप फर्जी सोशल मीडिया पे और लोगों के साथ फर्जी बहस करते हो, उन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर लोगे दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो स्लीप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ना चाहता है, तो अब सबसे पहले तो हमें स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पहले हमें कुछ चीज़ें सीख लेना है कि किसी का कोई फिक्स रूटीन नहीं है, सबका अपना एक अलग अलग रूटीन होगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिन के किस हिस्से में पढ़ते हो, और 16 घंटे पढ़ने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है टॉप करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या टारगेट करें, मेरी समझ से जो फुल टाइम लोग पढ़ रहे हैं उनको 8 to 10 hours का स्टडी डेली प्लान करना चाहिए, 8 to 10, ठीक है ना। 8 से कम अगर आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, आपको फुल टाइम जो स्टडी कर रहे हैं उनको 8 hours पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि इन 8 hours में मैं उन आवर्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ जो आप दे रहे हो, लाइक आप बातें कर रहे हो, आप जैसे पढ़ते पढ़ते बातें भी कर रहे हो और उसको काउंट कर रहे हो, ऐसा नहीं। एफिशिएंटली 8 hours स्टडी अगर आप कर रहे हो, 10 hours कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, यू आर वेरी एफिशिएंट, ठीक है ना। जो वर्किंग लोग हैं वो अपना डेली टारगेट रखें 4 to 5 hours, और वीकेंड्स में टारगेट अपना बढ़ा दें, तो उनको मेरी समझ से 40 hours का जो टारगेट है वो लेके चलना चाहिए पर वीक, 40 hours पर वीक रखना चाहिए जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो आप 4 से 5 घंटे डेली स्टडी करो और वीकेंड्स में आप 7-8 घंटे स्टडी करो, राइट। तो वो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। जब भी आपको पढ़ना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि देखो एफिशिएंटली पढ़ने के लिए आपको जितने भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस है ना उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे तो आप यकीन मानिए बहुत एफिशिएंटली नहीं पढ़ सकते। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकता है, जैसे ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी डिस्कशन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन जब भी आप ग्रुप में स्टडी करोगे ना, डिस्कशन कैसे हुआ, डिस्कशन के लिए ग्रुप स्टडी इज़ बेस्ट। जब भी आपको कुछ डिस्कस करना है ग्रुप में बैठो, लेकिन जब भी आपको एफिशिएंटली पढ़ना है ग्रुप स्टडी को अवॉइड करो, खुद पढ़ो, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है वो है सोशल मीडिया, ठीक है ना। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, आप इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गया, आप इन सब चीज़ों से का यूज़ एकदम मिनिमाइज़ कर दो। और इस समय तो जो आपका क्या नाम है पढ़ने का समय है उसमें तो बिल्कुल भी मत यूज़ करो, इसका यूज़ मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत सारा टाइम अपना किल कर जाओगे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप जब लगातार पढ़ोगे ना, आप देखोगे आपका एक बॉडी है, बर्नआउट बहुत तगड़ा होता है। मतलब शुरुआत में आपको लगेगा आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़े समय बाद आपको लगेगा नहीं नहीं यार एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है, हैंगओवर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो आप 15 minutes to 20 minutes, और मैं तो सजेस्ट करूंगा हाफ एन आवर, नहीं कर सकते तो 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। 15 मिनट्स का जो मेडिटेशन है वो आपको एक अलग लेवल पे का क्या नाम है कॉन्सेंट्रेशन देगा बाकी बच्चे को टाइम को। तो 15 मिनट्स जो मेडिटेशन को है वो ज़रूर देना है, ठीक है। अभी आपने मतलब सारा फिगर आउट कर लिया, सारा जितना आपका डिस्ट्रैक्शन था उसको हटा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना स्लीप प्रॉपर प्लान कर लिया, उसके बाद आपको पढ़ना है। तो अब पढ़ते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। देखो, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, आपको बार बार पढ़ना है ताकि आप एग्ज़ाम में चीज़ें रिटेन कर सको। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक सम टाइम फॉर रिवीजन। हर रोज़ आप जो पिछला पढ़े हो उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ते हो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है और वो आपको एग्ज़ाम वाले दिन रिटेन नहीं रहेगा, ये आप चीज़ ध्यान रहे। तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चीज़ें जाएँ इसके लिए आपको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन के बिना आपका कोई काम नहीं होगा। तो रिवीजन जो आपका टाइम शेड्यूल आप बना रहे हो उसी में आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। दूसरा, शुरुआत में आप पढ़ो लेकिन
एक समय के बाद आपको ध्यान रखना, टेस्ट बहुत देना है। बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट पे ध्यान दें, टेस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। कैसी कैसी चीज़ें सिखाएगा, लाइक सबसे पहले तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे। दूसरा चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, टाइम में कैसे पेपर को वाइंड अप करना है। आपको ये बताएगा कि आपका एक्यूरेसी कैसा है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और मेरी समझ से एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आपको डेली टेस्ट देना चालू कर देना, एटलीस्ट 4 मंथ, 2-3 मंथ तो मिनिमम, लेकिन 4 महीने पहले आपको टेस्ट देना चालू कर देना है, ठीक है ना। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि टेस्ट सीरीज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन फिलहाल आप ये मेंटली प्रिपेयर है, आपको टेस्ट जितना ज़्यादा देना है। और जब आप पढ़ भी रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज़्यादा रखना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाना रहता देन कि वो घिसा पिटा थ्योरी पढ़ने के सिवाय, है ना। घिसा पिटा थ्योरी पढ़ने के बजाय आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्या नाम है ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग और जो कॉम्पिटिशन में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अपने आप डेवलप होगा, ठीक है ना। और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, देखो एक चीज़ होता है, जैसे आप कंटिन्यूसली 8-10 घंटा काम कर रहे हो तो बर्नआउट बहुत तगड़ा होता है। तो आपको डेली 2-3 घंटे का जो का टाइम है वो खुद के लिए निकालना है। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, 15 बोलते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं तो घर भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रेंड से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको अपना हैप्पीनेस जो है वो मेंटेन रखना है। लाइक कि आप रेगुलरली घर पे बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा योगा कर रहे हो या घूमने जा रहे हो, दीज ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में जोश जोश में लोग बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन उसके बाद जब बर्नआउट होता है तो यही सब चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इफ़ेक्टिवली 8-10 आवर्स का शेड्यूल बनाएं और अपने स्लीप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जो आपका डेली रूटीन है उसके लिए 1-2 घंटे ज़रूर निकाल लें। और उसके साथ अगर आप 8 आवर्स का डेली स्टडी प्लान कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम को में अच्छा रैंक और इवन टॉप रैंक ला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।